डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जिला अस्पताल का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्होंने अस्पताल में लगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। साथ ही अपराधियों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की कमी को पूरा होने के लिए कोशिश कर रही है। देखेंगे हम लोग पूरे प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके फायर सिस्टम को ठीक करने के शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए। कहीं पर भी कोई समस्या पेशेंट यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। डॉक्टर तो रिटायर होंगे ना, जब डॉक्टर पढ़ेंगे चले जाएंगे विदेश, उनको रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि भारत में पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे उनको कम से कम 2 वर्ष मंत्री जी कंपलसरी हो। मंत्री यहाँ संविदा कर्मचारी है, रस्मी है मंत्री यहाँ के डॉक्टर एक रस्मी है, उन्होंने 10 पेज की शिकायत तो मुख्यमंत्री जी से की हुई है। क्या होगा देख लेंगे, जो शिकायत है समझ। संविदा कर्मचारियों का मंत्री यहाँ क्या रहेगा, काफी दिन से उनकी साफ सफाई व्यवस्था कैसी लगी सर? स्वच्छता को लेकर के भी ये तो हमारी सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता अस्पताल में हो, स्वच्छता घर में हो, मोहल्ले में हो, परिवार में हो। वहीं डेप्यूटी सीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर गरीब की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा गोद लिए विद्यालय एवं निरीक्षण के समय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखने के भी निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।